तो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल जूनागढ़ी अब्बा के अंदर। और हम चले हैं टेरिस पे, क्योंकि आज एक ख्वाजा की चिट्ठी होगी, यहाँ सलामी और दुआ होने वाली है। तो हम चले हैं टेरिस पे, क्योंकि बाहर पैर रखने की जगह नहीं, इसलिए हम अपने होटल के टेरिस पे चले। तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा और यहाँ से कितना मस्त व्यू आता है। तो देखो, ये है जन्नत होटल के ऊपर की टेरिस। आई लव ख्वाजा जी, और ये है ख्वाजा जी की गुम्बद दिख रही है इधर, माशाल्लाह। और धूप के हिसाब से थोड़ी देखने में पब्लिक, देखो यहाँ सब पब्लिक टेरिस पे चढ़ चढ़ के देखी, क्योंकि नीचे पैर रखने की जगह ही नहीं है। और अभी सलामी होगी, दुआ होगी, और ख्वाजा की छट्टी बना रहे हैं सब। हक मोइन या मोइन, हक मोइन या मोइन। तो मिलते हैं आगे, और भी बताता हूँ मैं आपको। आज पूरा दिन छठी का दिन है, तो आप पूरा व्लॉग देखिए मेरा। खा के हम निकले हैं दरगाह की ओर, दरगाह में जा रहे हैं हम ज़ियारत करने। बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोशिश करूँगा व्लॉग उतारने की, देखते रहिए पूरा। वो बोल रहे ये लोग हमें नहीं, हम इनको ख्वाजा जी की सलाम दुआ हो गई है। और मैं आया हूँ चार यानी कब्रिस्तान, जो ख्वाजा जी के दोस्तों की मज़ार है, जो चार यानी कब्रिस्तान बोलते हैं। तो मैं वहाँ बैठा हूँ, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा है, नमाज़ पढ़ ली है, और मैं आया हूँ यहाँ सलाम दुआ करने। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं चार यानी कब्रिस्तान जो होज है, जो वजू करते हैं, उसके एग्जैक्ट सामने ही रास्ता है चार यानी कब्रिस्तान का। और मैं वहाँ बैठा हूँ, एक दो घंटा हो गया बैठा, बहुत सुकून मिलता है यहाँ। क्योंकि कहते हैं ना कि दिन को दुनिया वाले और रात को अल्लाह वाले आते हैं, क्योंकि गरीब नवाज दिन को उनके दोस्तों के साथ या चार यानी कब्रिस्तान के अंदर होते हैं, और रात को उनके हुजरे में आराम फरमाते हैं। तो किसी फकीर ने कहा है कि दिन को दुनिया वाले आते हैं और रात को अल्लाह वाले आते हैं। तो मैं यहाँ सलाम दुआ करने आया हूँ, और सबके लिए दुआ की है मैंने। और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा, क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो देखिए, ये चार यानी कब्रिस्तान है ये पूरा। ये इनके दोस्त की मज़ार है, ये पूरा कब्रिस्तान है। ये भी इनकी दोस्त की मज़ार शरीफ है। सीधी रात पड़ चुकी है, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी, इसलिए बीच में व्लॉग नहीं बना पाया। अभी हम जा रहे हैं देख पे, और जो खादिम जिसके हम यहाँ रुके होटल पे, वो खादिम के यहाँ देख चलने वाली है। और ये भाई हमारे सब्सक्राइबर, और पता नहीं कौन था, और देख पे मिलते हैं। तो पूरा व्लॉग देखिए, क्योंकि खादिम की तरफ से देख है, तो हम देख का भी पूरा व्लॉग बना हुआ है। तो देखते रहिए पूरा व्लॉग। फोन तो कर क्या सहना भाई, ओ भाई Hey, Shahu.
रेस्टोरेंट में खाना खाने, क्योंकि अभी बजे है 5 और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी, इसलिए हम आए रेस्टोरेंट में। तो सुबह को यहाँ पूरा बाज़ार खुला, इसलिए हमने कहा थोड़ा नाश्ता कर लेते, क्योंकि हम 11 बजे के डेक के पास थे। हमने खान डाली और एक बात बहुत मज़े की है, क्योंकि वो पूरी पब्लिक को ब्लॉक करके हमें स्पेशल इन्वाइट किया था, ना पब्लिक को आने दे रहे थे ना पब्लिक को देखने दे रहे थे, सिर्फ हम और हमारा ग्रुप था और जो यहाँ के खादी में
उनकी तरफ से नियाज थी और हमने देख पे खान डाली, नियाज बनाई। तब तक अभी तक हम बाहर निकले, 5 बजे के बाद बाहर निकले, नियाज कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम निकले। तो बहुत मज़ा आया और हमें ये खुशनसीब ये है कि वो हमें मौका मिला, जो गरीब नवाज के अंदर लंगर के अंदर हमने नियाज बनाई है, और दिल को बहुत सुकून मिला और बहुत खुशी मिली। और ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और ढाई पे आना ना भूलना। गुड़की चाय पिलाऊंगा, धुना गटी अब्बा बोलते हैं मेरी जान।